जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अपने रिजल्ट को लेकर ही बच्चे परेशान हैं। तो बीएड यानी कि जो हमारा बीसीए का रिजल्ट है वो किसी भी सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी कोर्सेज में कुछ जो कोर्सेज है उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जैसे आपका बीबीए है और भी एलएलबी बीएलएलबी है, तो उनमें कुछ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन बीसीए के किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। वो इसलिए डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि कुछ कॉलेजों के, दो से तीन कॉलेजों के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं गए हैं, तो इस कारण से अभी तक जो उनकी वजह से पूरे रिजल्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। तो हो सकता है जो रिजल्ट है आपका वो इस वीक में, जो कमिंग वीक है, इसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। अब आगे बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एलएलबी के कल से एग्जाम स्टार्ट होने थे 26 तारीख से, तो उसमें एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। यानी कि अब आपके एग्जाम 26 से स्टार्ट ना होकर 31 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट कराए जाएंगे। तो आपकी जो डेट शीट चेंज हुई है वो डेट शीट अपने फेसबुक पेज पर, यानी कि जो मेरा फेसबुक पेज है उस पर भी मैंने अपडेट कर दी है, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट इसी में यह है कि यदि आपने ऑनलाइन चॉइस की है, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो उसके लिए आज मॉक टेस्ट रखा गया है। यानी कि आप आज सुबह 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए जो लिंक है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। यदि आप एग्जाम देने में आपको सुटेबल ना हो तो फिर आप जो है अपना, जैसे आपने ऑनलाइन भी सेलेक्ट किया है, तो फिर आप डायरेक्ट सेंटर पर जाकर ऑफलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। दूसरा है जो हमारा बीएड है, 2 ईयर बीएड, तो 2 ईयर बीएड के लिए एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। यानी कि आपके 27 जुलाई से एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए जाएंगे, 27 जुलाई से आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 अगस्त। 20 अगस्त तक ये एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर के, यानी कि जो 2 ईयर बीएड है उसमें 2 ईयर बीएड में बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम फॉर्म है वो आपके 27 जुलाई से लेकर और आपके 20 अगस्त तक फिल कराए जाएंगे। इससे आगे बात करें, आज के जो जितने भी मैक्सिमम न्यूज़पेपर हैं उसमें आपका जो 29 और 30 जुलाई के पेपर थे वो आपके 9 अगस्त और 10 अगस्त को कर दिए गए थे, लेकिन शुक्रवार में फिर से जब डेट्स बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हुआ था, यानी कि डेट आगे बढ़ी थी, तो फिर से उसको कर दिया गया था 30 और 29 जुलाई। लेकिन अब फिर से यानी कि शनिवार में फिर से उसको चेंज करके कर दिया गया है 9 और 10 अगस्त, यानी कि 9 और 10 अगस्त में आपका वो एग्जाम होने वाले हैं जो 29 और 30 जुलाई के एग्जाम थे। अब सीसीएस यूनिवर्सिटी अपने आप में कितनी कंफ्यूज है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम आपका जो 29 और 30 का था वो 9 और 10 अगस्त को किया गया, जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हुआ तो फिर आपका वो कैंसिल करके कर दिया गया कि जी फिर से आपके 29 और 30 जुलाई को ही होंगे, शुक्रवार में ये निर्णय लिया गया। लेकिन शनिवार को फिर से निर्णय बदलकर अब कर दिया, शनिवार को निर्णय बदलकर कर दिया गया है कि आपके जो एग्जाम है 29 और 30 जुलाई के वो आपके 9 अगस्त और 10 अगस्त को ही कराए जाएंगे। हालांकि इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी अभी नहीं हुआ है, जो आपकी ये न्यूज है वो न्यूज़पेपर में आपकी कटिंग आई है, यानी कि न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, और जैसे ही आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस जारी होगा इसके लिए, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, यानी कि फेसबुक पेज पर और वीडियो में भी। तो उसके लिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।